हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम करेंगे 13 अप्रैल, यानी कि आज है सैटरडे। तो आज की करंट अफेयर हम इस पोर्शन में देखेंगे। जो लोग नए हैं, मैं उनके लिए बता दूं, हर शाम टाइम 5 बजे होता है करंट अफेयर्स का, 6 बजे पैडागोजी जो मैं ही लेकर आती हूँ, और 7 बजे से होती है सर की क्लासेज, जिसमें जीके टेस्ट, पॉलिटिक टेस्ट, आपके SSC टेस्ट, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे टॉपिक्स आपको सर कवर करवाते हैं, तो वो टेस्ट सर आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, जो करंट अफेयर और पैडागोजी है, टीचिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, टीचिंग एग्जाम बेसिक है, तो पैडागोजी सिर्फ टीचिंग एग्जाम के में ही आती है, जो मेनली आती है, ज्यादातर पूछी जाती है वो टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है। तो वो पोर्शन हमने टीचिंग एग्जाम के लिए, एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हर रोज आपको यहाँ पर टाइमली वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। Who will head the committee to look into the alleged erosion of Yamuna flood plain? जो कमेटी बनाई गई है इरोजन ऑफ यमुना फ्लड प्लेन का, जो यमुना नदी है उसका जो इरोजन हो रहा है, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उस मैटर को देखने के लिए, तो उसको कौन हेड करेगा? उसको हेड करेंगे आदर्श कुमार गोयल। तो NGT फॉर्म एक कमेटी बनाई है लिंक इरोजन ऑफ यमुना फ्लड पेन्स के देखने के लिए, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हैवी व्हीकल्स इन हरियाणा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। जो हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है वो हैवी व्हीकल्स चलते हैं, तो उसके कारण जो इरोजन हो रहा है, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो इसको हेड कौन करेंगे? आदर्श कुमार गोयल। According to IMF, what will be the global growth forecast for 2019? IMF के अनुसार जो global growth forecast है 2019 का, वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका 3.3%। IMF क्या होता है? International Monetary Fund. Google has recently launched its first drone delivery service in which country? Google ने अभी हाल ही में अपनी first drone delivery service launch की है, तो वो कौन सी country में की है? वो की है Australia में। तो गूगल पेरेंट अल्फाबेट हैज बीट अमेजोन टू लॉन्च वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल ड्रोन डिलीवरी बिजनेस, जो कि अमेजोन भी लॉन्च करने वाला है। अल्फाबेट मेड इट्स फर्स्ट डिलीवरी इन कैनबेरा, अल्फाबेट है इसका पेरेंट जो नाम है, तो ये फर्स्ट डिलीवरी इसका कहां हुई है? कैनबेरा में, आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द कंट्रीज सिविल एविएशन अथॉरिटी। और इसके लिए कंट्री के, जिस भी कंट्री में आप कर रहे हो ये ड्रोन की फैसिलिटी, ड्रोन डिलीवरी बिजनेस, उसके लिए आपको सिविल एविएशन की अथॉरिटी भी लेनी होती है, तो उसके अथॉरिटी के बाद इन्होंने फर्स्ट डिलीवरी कैनबेरा में की है। Which company introduces a new platform called Anthos? तो कौन सी कंपनी ने एक न्यू प्लेटफॉर्म निकाला Anthos? तो वो निकाला है गूगल ने ही। गूगल हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ओपन प्लेटफॉर्म Anthos टू रन एंड मैनेज एप्स फ्रॉम एनीवेयर। और ये किस लिए काम आएगा? आप कोई भी ऐप को कहीं भी रन कर सकते हो और कहीं भी मैनेज कर सकते हो। Based on the cloud service platform that Google announced in 2018, Google का क्लाउड बेस्ड सर्विस है 2018 में जो इन्होंने अनाउंस किया है, उसके ऊपर रही गई Anthos। Let's user run applications on existing on-premises hardware investment or in a public cloud. Public cloud में भी कर सकते हो, अपने premises के hardware investment में भी। Who successfully defended her monetary open title 2019? जो monetary open title है 2019 का, वो किसको मिला है? तो वो है गर्बाइन मुगुरजुआ। तो स्पेन के गर्वाइन मुगुरजुआ हैं, इन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया है इसको मॉनेटरी ओपन टाइटल व्हेन विक्टोरिया अर्जेनिका रिटायर्ड इंजर्ड फ्रॉम हर फर्स्ट WTA सिंगल फाइनल इन 3 इयर्स। रिसेंटली बतिस्ता अनाउंस हिज रिटायरमेंट। जो बतिस्ता है, उन्होंने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस किया है, तो वो कौन से स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं? तो वो है आपके रेसलिंग के। डिस्क्राइबिंग हिज ओवर 2 decades स्किन एंड स्टिन एंड इज WWE रेसलर एज ए हेल ऑफ रन। देव बतिस्ता हैज ऑफिशियली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल रेसलिंग। उन्होंने ऑफिशियली रिटायरमेंट के लिए अनाउंस कर दी है। तो ये साल बतिस्ता विल बी सीन रिप्राइजिंग हिज रोल एज ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर इन अवेंजर्स एंड गेम विच विल फॉलो up with the Stubber. तो वो अभी Stubber और Avengers Endgame में दिखेंगे। Who was elected as the new president of International Chamber of Commerce? जो in the new president of International Chamber of Commerce के लिए कौन चुना गया है new president? वो है विक्रमजीत सहानी। सन ग्रुप के चेयरमैन है ये विक्रमजीत सिंह सहानी, जो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स चुने गए हैं। ही सेड दैट चैंबर वुड वर्क विद द गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड। और ये किस लिए काम आएगा चैंबर? प्रमोट करने के लिए इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड। हु वाज अपॉइंटेड अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन? जो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन है, उसके चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? शिव दास
मीना को। तो शिवदास मीना एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, MOHUA जिसको आप बोलते हो, हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको रखा गया है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन एंड BCC का। विच ऑर्गेनाइजेशन बैक द प्रेस्टिजियस AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 फॉर आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बैक किया है प्रेस्टिजियस AIMA जो मैनेजिंग इंडियन अवार्ड 2019 है आउटस्टैंडिंग PSU ईयर के लिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज बैक्ड द प्रेस्टिजियस AIMA मैनेजिंग इंडियन अवार्ड 2019 फॉर आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाई द फॉर्मर प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी टू संजीव सिंह चेयरमैन इंडियन ऑयल। जो यह अवार्ड है किसने दिया था, ये अपने फॉर्मर प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी ने दिया है। रिसेंटली BA सबरी पासेज अवे, BA सबरी का डेथ हुई, तो ही बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन, कौन से प्रोफेशन के थे, ये राइटर थे, कन्नड़ राइटर है बेसिकली ये। BA सनादी पास्ट अवे इन कुमता इन बेलागवि, ही वॉज 86 के थे सनादी, विनर है ये कोवेटेड पंपा अवार्ड के और राजोत्सव अवार्ड के, अमंग अदर्स हेल्ड फ्रॉम दी सिंदौली इन बेलागवि डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली नवतेज हुंडल पास्ट अवे, ही बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन, ये गलती से लिखा गया यहाँ पे, सो इसको आप स्किप करें। तो जो नवतेज हुंडल है वो कौन से ऐसे हैं, वो एक्टर हैं, एक्टर है नवतेज हुंडल हु मोस्ट रिसेंटली अपियर्ड इन आदित्य थार्स उरी में, आपने जिसको देखा उरी सर्जिकल स्ट्राइक में, इनकी डेथ हो गई है नवतेज हुंडल की। नवतेज हुंडल ने होम मिनिस्टर का रोल प्ले किया है उरी में, अगर आप लोगों ने उरी देखी है तो जो होम मिनिस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं वो थे नवतेज हुंडल। तो ये पास्ट अवे हुए हैं, ये सुशांत सिंह जनरल सेक्रेटरी ऑफ द साइन एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन ने बताया है। रिसेंटली नाइदा रीजन पास्ट अवे, जो नादिया रीजन पास्ट हुए हैं, तो वो कौन से प्रोफेशन से, वो है आपकी एक्टर। तो ये सरेबियन बोर्ड एक्टर हैं नादिया रीजन, बेस्ट नोन फॉर स्टार्टिंग इन बोर्न फिल्म्स फ्रॉम रशिया से इन्होंने शुरुआत की थी विद लव एंड गोल्ड फिंगर, जिनका 87 की एज में इनका डेथ हो गया। शी वाज द बेस्ट नोन फॉर हर रोल एज द मिस्ट्रेस ऑफ कैरिम बे इन फ्रॉम रशिया विद लव एंड हैड ए स्मॉलर अपीयरेंस एज बोनिटा इन द प्री क्रेडिट सिक्वेंस ऑफ गोल्ड फिंगर विच फीचर सीन कोनेरी एज द आइकॉनिक ब्रिटिश स्पाई। वन इज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 10 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व ऑन 10 अप्रैल और टू कमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, ये है बर्थ एनिवर्सरी है बेसिकली होम्योपैथी की, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल होमन की। हेडक्वार्टर कहाँ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून का, तो हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है आपका Washington DC में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, कल फिर मिलेंगे नई घटनाओं के साथ, नई करंट अफेयर के साथ। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, NVS, KVS, STET, CTET, UPTET, DSSB, SSC, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और आप घर बैठ कर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8447410108। आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपका स्टडी मटेरियल बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया पहुंच जाता है, और ये स्टडी मटेरियल पूरा सिलेबस कवर करता है और एक्सपीरियंस टीम द्वारा बनाया गया है। तो आप जल्दी से आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं हमें, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, कल फिर मिलेंगे, थैंक यू।